H-I-C-K-S, Hicks, Allen, A-L-L-E-N, Hicks or Allen. दूसरा है स्लट्सकी, S-L-U-T-S-K-Y, ये इकोनॉमिस्ट्स के नाम है, इनके नामों पे क्वेश्चन काफी पूछता है. दूसरा कॉन्सेप्ट था रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरम का, इसका कॉन्सेप्ट दिया था सैमुएलसन ने, S-A-M-U-E-L-S-O-N, सैमुएलसन. ये दो अप्रोचेस हैं, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच. अब हम लोग शुरू करने लगे हैं कार्डिनल अप्रोच से. लिख लो यूटिलिटी विद कार्डिनल अप्रोच. यूटिलिटी विद कार्डिनल अप्रोच. आप लोगों को अगर याद हो तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है, किस रीजन की वजह से? इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और मल्टीपल यूज और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एक और था न्यू कंज्यूमर्स. आप लोगों को याद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था, ये बिल्कुल वही वाला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही है. यूटिलिटी बताता है यूटिलिटी इज दी वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि एक चीज को इस्तेमाल करके हमें उससे कितनी संतुष्टि मिल रही है, उस संतुष्टि को बताता है यूटिलिटी. ठीक है, लिखिए यूटिलिटी शोज. मोनिका तुम्हारी विशाली मैम की क्लास में सो रही है बेटा, मैसेज आया उनका क्लास ले रही है, और ये लोग भी तो यही बोल के गए हैं कि मैम क्लास ले रही है.